वैश्विक पटल पर नेता सुभाष चंद्र बोस सदैव अमर रहेंगे और उनका व्यक्तित्व और कृतित्व सदैव प्रेरणा देता रहेगा। आज इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज इकौना में आयोजित कार्यक्रम विद्यालय की गरिमा और प्रतिष्ठा बढ़ाने वाला रहा। आप सभी का सबसे तेज खबर सावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। खबर उत्तर प्रदेश के सावस्ती जनपद के इकौना से है, जहां पर सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज में शुरू की थी। जब आप इंडिया न्यूज के स्ट्रिंगर के रूप में आपने आपका चयन हुआ था, आज हमारे बीच में उपस्थित है, आपका बहुत स्वागत करते हैं विद्यालय परिवार की ओर से। माननीय विधायक जनपद श्रावस्ती की जो विधानसभा श्रावस्ती है, अच्छा लगता है कि वो विधायक और ये पूरा श्रावस्ती जनपद है, जिसमें जैसे ही दीप प्रज्वलन हो जाएगा, संदीप द्विवेदी जी उन बच्चों को लाकर के यहाँ अरेंज करा लें जिनका पहला कार्यक्रम कराना है। कृपया ये अरेंज कर लीजिए जिससे देर ना हो, कार्यक्रम जल्दी जल्दी हो, ठंडी भी है। संदीप द्विवेदी जी जो एंकर है, अंग्रेजी के प्रवक्ता है, उनको भी मैं ये निवेदन कर लेता हूँ कि वह बच्चे जो अरविंद शुक्ला जी अपने विद्यालय की जो समिति है उसके आदरणीय मेंबर शिक्षक है, आपका सादर स्वागत। और कार्यक्रम में विलंब न हो इसका ध्यान रखेंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सावस्ती विधानसभा के विधायक रामफेरन पांडे रहे, जिन्होंने विद्यालय में पहुंचकर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान उनका विद्यालय परिवार ने भव्य स्वागत भी किया। सावस्ती जनपद के इकौना इलाके के सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज की मैं माननीय विधायक जी से निवेदन इस दौरान जनपद के प्रथम नागरिक दद्दन मिश्रा, एमएलके पीजी कॉलेज बलरामपुर के प्राचार्य डॉक्टर जनार्दन प्रसाद पांडे, महामाया राजकीय महिला के प्राचार्य डॉक्टर धर्मेंद्र गुप्ता, प्रोफेसर दिलीप, ब्लॉक प्रमुख गिलौला प्रकाश चंद, विशेष शासकीय अधिवक्ता दिनेश पांडे, युवा शक्ति के नेता आशुतोष पांडे, विश्व हिंदू परिषद के विभाग मंत्री अजय जायसवाल, किसान यूनियन के मंडलीय अध्यक्ष विनोद कुमार शुक्ला, भाजपा मंडल के मंडल अध्यक्ष महाराज प्रकाश तिवारी, बब्बू प्रधान, पंकज मिश्रा, गोपाल मिश्रा, कमलापत त्रिपाठी, राजेश त्रिपाठी, विद्यालय प्रबंध के अध्यक्ष सत्य वर्धन गोयल, प्रबंधक किरण पांडे, अनिल नैयर, अरविंद शुक्ला, पंकज, राजेश मणि त्रिपाठी, कवि नीरज शुक्ला, नालायक, अर्चना वाजपेयी, शैललता, मीडिया से मिथिलेश पाठक, शिवकुमार, ललित त्रिपाठी, सुखदेव मिश्र, गुरुप्रसाद सहित क्षेत्र के तमाम गणमान्य अतिथि व अभिभावक मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में यहां पर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए प्रधानाचार्य लोक रंजन पांडे और स्टाफ ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार कराए थे, जिन्हें बच्चों ने आकर्षण के साथ प्रस्तुत किया। कार्यक्रमों ने आए हुए अतिथियों का मन मोह लिया। इस दौरान सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कई लोगों ने अपने विचार भी दिए। सर्वप्रथम इस शिक्षा की मंदिर की पवित्र भूमि को नमन करते हुए और इस सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज के इस प्रांगण में उपस्थित
आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती भी है और बड़े हर्ष का विषय है कि हम लोग सुभाष जी की जयंती के पावन अवसर पर सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज में आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे छोटे भाई प्रखर वक्ता दिवाकर पांडे जी, इस विद्यालय परिवार के प्रबंधक, इस कहां गई प्रबंधक जी हमें नाए हैं होगा कोई बात नहीं, इस विद्यालय परिवार के प्रधानाचार्य पांडे जी, सभी शिक्षकगण और मंच पर विराजमान शासकीय अधिवक्ता प्रखर वक्ता दिनेश चंद्र पांडे जी, इसी के जयंती के पावन अवसर पर इकट्ठा हुए हैं जिन्होंने देश को आजादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका अदा करते हुए इस देश को गुलामी की जंजीर से छुड़वाने का काम किया था। मैं सुभाष चंद्र बोस जी को बार बार हजार बार उनको नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और ये भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके बताए गए पग चिन्हों पर ये हमारे परिवार के बच्चे, इस विद्यालय परिवार के बच्चे चल करके और अपने देश का नाम रोशन करें। आज इस अवसर पर बहुत से बच्चे हमारे ऐसे अभी परसों भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, हम लोगों ने सीता द्वार में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से दीपोत्सव का कार्यक्रम करने का कार्यक्रम किया, उसमें इस विद्यालय परिवार के 30 बच्चे जो भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के दीपोत्सव के सहभागी बने और यही नहीं, जब जिले के सारे अधिकारियों ने उनका दीपोत्सव देखा तो जनपद में इनको दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तालियां। और इन बच्चों के जीवन में एक यादगार के रूप में जिलाधिकारी महोदय के द्वारा और हम लोगों के द्वारा उन बच्चों को प्रशस्ति पत्र देने का निर्णय लिया गया कि ये जीवन के ये क्षण हमेशा याद रहेंगे कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जब ये बच्चे बड़े होंगे और बूढ़े होंगे तो इनकी संतानें होंगी तो कहेंगी मेरे दादा मेरे दादी उस प्राण प्रतिष्ठा में सहभागी बनेंगे। यह जीवन का एक अनूठा कार्यक्रम हम लोगों ने अपने आंखों से देखा। इस विद्यालय परिवार के लिए इन बच्चों के प्रशस्ति पत्र के साथ इनको अंग वस्त्र भी भेंट करने का निर्णय लिया गया और यह विद्यालय निरंतर उत्तरोत्तर तरक्की करे, इसमें जहां हम लोगों की कोई सहभागिता होगी हम पूरे मनोयोग के साथ इस विद्यालय परिवार के साथ हैं, क्योंकि यह विद्यालय हमारे घर के बगल का विद्यालय है, इसमें हमारे भी परिवार के लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं और यह विद्यालय अपनी उन ऊंची ऊंचाइयों को प्राप्त करे। माँ सरस्वती से, माँ बीणा पाणनी से निवेदन है कि जनपद नहीं पूरे प्रदेश में सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज का नाम रोशन हो। इन्हीं आशा विश्वास के साथ हम अपनी वाणी विराम देने से पहले इस विद्यालय परिवार के लिए इन उपहार के साथ इस ठंडी के मौसम में मैं 51,000 रुपए का भी सहयोग देना चाहता हूँ कि ये विद्यालय के बच्चे हमारे बहुत आगे बढ़ जाएं और उसमें चींटी की तरीके से जो हमारी सहभागिता है
वो लगी रहे और इन्हीं आशा विश्वास के साथ सभी बच्चों का, सभी शिक्षकों का, खास करके इनके प्रबंधक जी का, मंचस्थ सभी अतिथियों का, छायाकार बंधुओं का हृदय की असीम गहराइयों से आभार व्यक्त करते हुए आगामी परसों 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामना प्रेषित करते हुए अपनी वाणी विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम। इस दौरान विद्यालय के कई छात्राओं को दीपोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग करने हेतु सम्मानित भी किया गया। जनपद में द्वितीय स्थान इस विद्यालय ने प्राप्त किया। ऐसे में इनके बच्चों को इसमें चिन्ह और प्रशस्ति पत्र के साथ अंग भेंट विधायक की तरफ से किया गया। बच्चों में कोमल तिवारी, हार्दिक पाठक, स्वर्णिमा शुक्ला, लवि पांडे, शालिनी पांडे, अंजलि शुक्ला, स्वर्णिमा शुक्ला, आस्था पांडे, अवधेश वाजपेयी आदि रहे जिन्हें सम्मानित और विद्यार्थियों ने हमारे कॉलेज के जो प्रतिभाग किया है उस प्रतिभाग में माननीय विधायक जी तरखानों के द्वारा आप देख रहे हैं कि लगातार पुरस्कार आप सभी विद्यार्थियों को। गुरुजी, ये विद्यार्थी आप सभी के समक्ष लोग पुनः तालियों के साथ उद्घोष करेंगे। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज की ये तस्वीरें हैं, जहां पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने तमाम तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। इस दौरान आए हुए अतिथि भी इन कार्यक्रमों को देखकर मंत्रमुग्ध हो उठे और अपने कंठ से विद्यालय के छात्र छात्राओं की भूरी भूरी प्रशंसा भी की। श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके में आज सुभाष चंद्र बोस जयंती कार्यक्रम के उपलक्ष्य में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि विधायक श्रावस्ती पंडित रामफेरन पांडे रहे। साथ ही इलाके के तमाम गणमान्य अभिभावक, विद्यालय के छात्र छात्राएँ, विद्यालय के प्रधानाचार्य, प्रबंधक व शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद है, जिनकी मौजूदगी में इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन इकोना के सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज में किया गया। यहां पर विधायक रामफेरन पांडे व पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा ने छात्र छात्राओं के साथ विद्यालय प्रबंधन समिति को भी संबोधित किया और उनकी प्रशंसा की। श्रावस्ती जनपद के इकोना स्थित सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज की ये तस्वीरें हैं। एक तरफ विधायक ने जहां कार्यक्रम में प्रतिभाग किए गए बच्चों को अंगवस्त्र व सम्मान तथा प्रमाण पत्र सौंपा, तो वहीं दूसरी तरफ विद्यालय को भी 51,000 रुपये की धनराशि भेंट की, जिससे बच्चों के उज्जवल भविष्य में विद्यालय सहायक हो सके। श्रावस्ती जनपद के इकोना में सुभाष चंद्र बोस इंटर कॉलेज संचालित है, जहाँ पर आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया हुआ है। विद्यालय परिवार आपका बहुत स्वागत करता है, आपके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। बच्चों से बात निवेदन करेंगे, तालियां बजा करके आप स्वागत करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा, यहां पर लगा हुआ है, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पुष्पार्चन करके और सुगंधी अर्पण करके आप अगरबत्ती चला दो यहाँ पर सर के पास, पुष्पार्चन करके उसे स्मरण करें और बच्चे तालियां बजा चले जाओ। इसी के साथ आदरणीय विनोद शुक्ला जी भी उपस्थित हुए हैं, जो कि किसान यूनियन के आदरणीय मंडल अध्यक्ष, आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप प्रकाशन करके जीवन हिंदुत्व के लिए समर्पित कर दिया और आप ही लोगों के समर्पण का सुखद परिणाम 22 जनवरी को पूरे देश ने हर्षोल्लास, उमंग और उत्साह के साथ मनाया है। ऐसे हमारे विभाग संगठन मंत्री विश्व हिंदू परिषद भाई अजय जायसवाल जी, हमारे पत्रकार बंधु, आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। बच्चों, जैसा कि हम सब लोग अवगत हैं कि 15 अगस्त 1947 को सैकड़ों वर्षों की दास्ता के बाद जो राजनीतिक आजादी मिली थी, उसमें दो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए दो गुट काम कर रहे थे, एक नरम दल एक गरम दल। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, नरम दल का नेतृत्व
महात्मा गांधी जी कर रहे थे और गरम दल का नेतृत्व नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कर रहे थे, और जिनका नारा था कि तुम हमें खून दो हम तुम्हें आजादी देंगे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी, दृढ़ इच्छा शक्ति के धनवान व्यक्ति थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जो ठान लेते थे वो करके दिखाते थे, और उनके पराक्रम के आगे अंग्रेजी हुकूमत को झुकना पड़ा। हालांकि उनसे संबंधित तमाम मिथक और सस्पेंस भी है, जिनका समय समय पर हमारी सरकार के द्वारा खुलासा भी किया जा रहा है। तो ऐसे महानायक की जन्म जयंती हम सब लोग प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। ये अवसर है उनको याद करने का, उनको नमन करने का, उनके दिखाए गए मार्ग को अनुसरण करने का। विद्या का ये मंदिर है, देश के नौनिहाल जो हमारे भविष्य के कर्णधार है। आज हमारी सरकार, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खास तौर से युवाओं, छात्रों, नौजवानों को विशेष फोकस करके नीतियां और योजनाएं बनाई जा रही हमारी सरकार के द्वारा। आज आजादी के 75 वर्ष पूर्ण हो गए हैं, लेकिन विडंबना है कि आज भी हम सब लोग अंग्रेजों द्वारा घोषित, लाल बंगाले द्वारा घोषित शिक्षा व्यवस्था को ढोते आ रहे थे, जिनका मानना था कि भारतीयों में अच्छे प्रशासक नहीं पैदा कर सकते हैं, सिर्फ क्लर्क पैदा कर सकते हैं, और क्लर्क बनाने वाली शिक्षा जो अंग्रेजों द्वारा लागू की गई थी उसी को अभी तक हम लोग ढोते आ रहे थे। जब आप लोगों के असीम प्यार से आशीर्वाद से इस देश के अंदर एक नई राष्ट्रवादी सरकार का प्रदूरा भाव हुआ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री परमादरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जब से इस देश की बागडोर को संभाला, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि बहुत हो गया, अब अंग्रेजों के शिक्षा व्यवस्था को हम आगे नहीं ढो पाएंगे, और भारतीय परिवेश और परिस्थितियों के अनुकूल नई शिक्षा नीति लेकर के आएंगे। और देश के तमाम नामचीन शिक्षाविदों ने गहन विमर्श विचार विमर्श करके भारतीय देश काल परिस्थिति के अनुकूल और अनुरूप एक नई शिक्षा नीति हमारी सरकार लेकर के आई है। और देवांश पांडे, देवांश पांडे कक्षा 9 सारी 10 देवांश पांडे, हार्दिक पाठक, हार्दिक पाठक दौड़ के आ जाओ बेटा, हार्दिक हार्दिक अभिषेक जी, आदरणीय मिथिलेश पाठक जी भी अपने बच्चों के साथ फोटो कराते हुए, अभिषेक चौधरी कक्षा 11 अमरेश कुमार कक्षा 11 सौरभ शुक्ला कक्षा 10 गुरु जो बच्चियां हो बच्चियों का 10 और शोभित शुक्ला कक्षा 10 चलिए कोई अनुसार 6 में है वो 10 चला गया होगा, लड़का यही है सर, हम आपकी पहचान पांडे स्वर्णिमा शुक्ला अंशी मिश्रा इधर बीच में आ जाओ, उनको दे दिया चलो गुरु जी, एक दीक्षा तिवारी को बुला लो, दीक्षा तिवारी दीक्षा तिवारी तब तो इधर आओ, इधर बच्चिया इधर हो जाए, बच्चे इधर हो जाए, एक हाँ ठीक है बच्चे इधर चलो बच्चे इधर है यार इनकी अथक प्रयास है, उनकी मेहनत है। मैंने आपको रात में 9:30 मुझे फोन किया, मैंने कहा गुरु जी आपके कॉलेज के 20 बच्चे चाहिए, तो मैंने कहा कि 20 नहीं मैं 22 बोला, और इनके बच्चे सबसे अच्छी चीज उस कार्यक्रम में थे, हमने 10 कॉलेजेस के बच्चे बुलाए थे, वो शायद दुर्भाग्य है या जो सिलेक्टर जो उनकी पसंद है द्वितीय स्थान मिला, हम तो प्रथम देना चाहते हैं लेकिन हमारे हाथ में था नहीं, वरना आपको प्रथम देते।
इनकी मेहनत में इन बच्चों का एक जो डिसिप्लिन था, सभी बच्चे यूनिफॉर्म में गए थे, विद आइडेंटिटी कार्ड गए थे, जितने कॉलेजेस आए थे राजकीय जो माध्यमिक है जिला द्वारका वो, और सुभाष चंद्र बोस के अलावा बाकी आठ के आठों विद्यालय के बच्चे कोई भी पूरे यूनिफॉर्म में नहीं आए थे। मैं इसके लिए यहाँ के प्रबंधक जी को, यहाँ के प्रिंसिपल साहब को और यहाँ के समस्त स्टाफ को ढेर सारी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ कि डिसिप्लिन जो आपने मेंटेन कर रखा है वो बहुत ही अच्छा, क्योंकि ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में आमतौर पर बच्चे हम लोग भी थोड़े छोटे थे तो ऐसा सोचते थे कि आज आजादी मिलेगी, लेकिन बच्चों ने बड़ी मेहनत की, बड़ी कुशलता से कार्य किया है। जो बच्चे प्रतिभाग नहीं कर पाए कहीं ना कहीं मन में कोस रहे होंगे अपने आप को कि अगर हम भी जाते तो अच्छा होता, और ये सभी बच्चे, मैं गुरुजी को एक चीज और बताऊंगा कि यहाँ की रिपोर्ट एक हम लोग तैयार कराएंगे और वो विस्तृत रिपोर्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम लोग लेकर के जाएंगे कि हमारे शालक्ति के होनहार बच्चों ने ये करके दिखाया है। आप सबकी फोटोग्राफ में माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे लेके जाऊंगा। और दूसरी चीज, जैसे इस विद्यालय परिवार से पारिवारिक संबंध है और परिवार के बच्चे भी यहाँ पढ़ते हैं, तो मैंने सोचा है कि इस वर्ष सुभाष चंद्र बोस द्वितीय स्थान पे आया है जनपद में, लेकिन मैं जो भी बच्चे यहाँ अध्ययनरत है, जो यहाँ ज्ञान की नदी में, यहाँ के सागर में गोता लगा रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों से एक निवेदन भी करूंगा और एक अपॉर्चुनिटी दूंगा आप सभी को कि अगले वर्ष हम फिर दीपोत्सव का आयोजन करेंगे, लेकिन आप लोग ये विश्वास दिलाइएगा कि अगले वर्ष सुभाष चंद्र बोस ही प्रथम स्थान पे आएगा। ये तैयारियां आज ही से आप लोग शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे घर का विद्यालय है, बगल का विद्यालय है, और जब ये विद्यालय कहीं जाता है, अच्छा इसमें सबसे अच्छी चीज है कि हमारे आवास का नाम भी लिखा है, तो इस विद्यालय के साथ में हमारा भी सम्मान बढ़ता है, तो आप सभी से मेरा सम्मान जुड़ा हुआ है, तो अगले वर्ष जो आज चुनती हो गई है, आप सभी ने बड़ी अच्छी मेहनत की, खूब मेहनत करी, हो सकता है कहीं फिनिशिंग में या अंतिम जो रूपरेखा देने के कार्यक्रम को होती है उसमें शायद थोड़ी सी त्रुटि हो गई, इसीलिए हमारे बच्चे आज द्वितीय स्थान पे हैं। मैं आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं ज्ञापित करता हूँ और पुनः यहाँ के प्रबंधक जी को, यहाँ के प्रिंसिपल साहब को ढेर सारा धन्यवाद और आप सभी को आभार ज्ञापित करता हूँ कि आप सभी लोगों ने इतना ज्यादा सपोर्ट किया, आप लोगों ने इतना ज्यादा कोऑपरेट किया कि सभी बच्चियां एक दिन में चार चार घंटे कार्य की है और उनकी मेहनत से, उनके अथक प्रयास से पूरे उत्तर प्रदेश में, अभी हमें कल हम लखनऊ जब गए थे तो हमें प्रदेश अध्यक्ष जी का फोन आया था, उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या के बाद में अगर सबसे अच्छा कार्यक्रम कहीं हुआ है काशी को छोड़ करके तो वो श्रावस्ती जनपद में हुआ है, और ये आप सभी के अथक प्रयास थे कि हमारे पूरे प्रदेश में श्रावस्ती का नाम लोकर हमारे बच्चे करके दिखाए। मैं सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, धन्यवाद।